भर में विजयादशमी या दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है, वहीं आज वायुसेना दिवस भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दोनों मौकों पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया है और देशवासियों को बधाई भी दी है। वहीं हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलीला में शामिल होंगे। हालांकि पीएम मोदी इस बार दिल्ली के द्वारका में आयोजित दशहरा समारोह में पहुंचेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना दिवस और विजयादशमी उत्सव नागपुर में संघ स्थित मुख्यालय में मनाया गया। हर साल होने वाले आरएसएस के विजयादशमी कार्यक्रम में इस बार एचसीएल के संस्थापक चेयरमैन और पद्म भूषण से सम्मानित शिवनादर ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। आरएसएस की स्थापना केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में विजयादशमी के दिन की थी। इस दौरान शस्त्र पूजन भी किया गया। आज भारतीय वायुसेना का 87वां स्थापना दिवस है। इस खास मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर एयर शो का आयोजन किया जा रहा है, जहां आईएएफ के जाबाज करतब दिखा रहे हैं और दुनिया को भारत की शक्ति का एहसास दिला रहे हैं। इस कार्यक्रम में वायुसेना के नए एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने भी पहली बार वायुसेना अध्यक्ष के तौर पर परेड की सलामी ली। आरकेएस भदौरिया ने बालाकोट एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकवादी हमलों से निपटने के सरकार के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव आया है। हिंदुस्तान के लिए आज बड़ा दिन है। एक और देश में देश की शान वायुसेना का 87वां वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर फ्रांस में आज भारत को फ्रांसीसी लड़ाकू विमान राफेल मिलने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राफेल विमान को रिसीव करने के लिए पेरिस में हैं, जहां वो इसे रिसीव करने से पहले इसकी शस्त्र पूजा करने वाले थे। राफेल विमान में उड़ान भी वो भरेंगे और इसी के साथ वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। बता दें कि दसॉल्ट के साथ हुए सौदे की पहली खेप में भारत विजयादशमी के मौके पर 36 राफेल विमान हासिल करेगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राफेल को रिसीव करने के लिए राफेल विमान में उड़ान भी भरेंगे और इसी के साथ वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी।